एचटीएमएल लिंक्स। तो एचटीएमएल लिंक्स में क्या होता है कि जैसे कि हम कोई एक पेज है, लिंक्स मतलब क्या कि एक पेज से वो दूसरे पेज पे चला जाता है। जैसे कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे लिंक होता है, जंप करता है। वैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, हमने सीएसएस में कुछ ये टैग ऐड किया हुआ, जैसे हम जब लिंक होती है तो ग्रीन में आएगी, विजिट किया वो लिंक तो पिंक में आएगी, माउस ओवर किया तो वो अलग कलर में आएगी। ऐसे जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अभी डिफ़ॉल्ट है, ये देखिए यहाँ पे माउस ले लिया, उसका कलर चेंज हो रहा है, क्लिक किया तो कलर चेंज हो रहा है। हम उसको अब टारगेट भी दे सकते हैं, मतलब ये उसी पेज में ओपन होना है या दूसरे पेज में जाके ओपन होना है। इसके ब्लैंक, हम उसको टारगेट ब्लैंक देते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो दूसरे इसमें जाके ओपन होता है। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतने नए टैब ओपन होंगे और उसमें वो जाके ओपन होगा। टॉप देते हैं आप तो वो उसी पेज में ओपन होगा। ये एक एट्रिब्यूट है। उसके बाद ये टारगेट का हमने देख लिया, उसके बाद अभी इमेज है, इमेज को भी हम सेम ये दे सकते हैं लिंक। जैसे कि हमने अभी ए टैग में एमएस टैग का डाल दिया, उसको स्टाइल डाल दिया, और देखिए यहाँ पे अपना इमेज आ रहा है और इमेज हम उसको क्लिक करते हैं, इसका साइज मैं ऑटो ही रख देता हूँ। हाँ ओके, तो अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये टॉप बोला है टारगेट, इसलिए वहाँ पे ओपन हो रहा है। ब्लैंक किया तो वो जैसे कि लास्ट टाइम अपने डिस्कस किया था कि वो नए टाइम में जाके ओपन हो रहा है। अभी इसको हम एक्सटर्नल पाथ भी दे सकते हैं, जैसे कि फुल पाथ कोई वेबसाइट का देना है तो वो दे सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट का पाथ दे दिया, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। मतलब ये लिंक का यूज क्या होता है, एक पेज टू एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज जाने के लिए, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप होने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं लिंक। इस तरह से भी हम पाथ दे सकते हैं, इंटरनल है तो जस्ट फोल्डर का नाम और ये पाथ, ऐसा पाथ दे सकते हैं। मैं देखो जैसे कि हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पेज में 10 चैप्टर है, तो नहीं तो आप किसी वेबसाइट पे भी देखते होंगे कि आप वर्टर्स बोलते हैं या फुटर बोलते हैं तो वो तुरंत नीचे फुटर पे आके रुक जाता है अपने आप, तो वो कैसे देते हैं एक बार देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि एंकर टैग में ये लिंक टैग में एचरेफ में वो आईडी असाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आईडी C3 दे दिया, वो आईडी सेम भी नीचे यूज करते हैं तो आप वो लिंक पे यूज करने के बाद वो जंप हो जाता है वो डायरेक्ट उस आईडी के पोजीशन पे। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडेक्स में होता है चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3,
और हम जब वो इंडेक्स पे क्लिक करते हैं चैप्टर पे, तो वो चैप्टर पे वो जाके रुक जाता है, या वन पेज वेबसाइट है। तो जैसे कि हम यह देखेंगे अभी, ये हमें क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हमें चैप्टर नंबर उस पे लेके जाना है। बहुत सारे मैंने ऐड की ताकि एग्जैक्ट इफेक्ट हमारे समझ में आए। देख, अब ये चैप्टर आ गए, तो हमें यहाँ पे हम दे देते हैं आईडी, वो अपना सी सी फाइव वाला। तो हम देखिए, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो सी फाइव पे आके रुक जाता है। इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं एज जंप, मतलब वो क्या हो जाता है कि वो जंप हो जाता है चैप्टर नंबर 5 पे।